देश आजादी का 75वां वर्ष 15 अगस्त 2022 को पूर्ण कर रहा है, जिसे देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। पूरे देश में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी पूरे जोरों पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ इस महोत्सव की तैयारी में जुटा है। इसी क्रम में भाजपा जिला इकाई द्वारा रानीडीहा स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर हर घर तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी बैठक जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि देश की गौरवशाली संस्कृति सभ्यता की अविरल पहचान को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर लाने का कार्य हुआ है। देश विश्व गुरु की भूमिका में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को भाजपा पूरे उत्साह के साथ मना रही है। 15 अगस्त 2022 को देश आजादी का अपना 75वां वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस अमृत महोत्सव में देश के जन जन की भागीदारी हो रही है। हर घर तिरंगा फहराकर आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों के वीर गाथाओं को पूरा देश याद करेगा। बैठक का संचालन भाजपा जिला महामंत्री सबल सिंह पालीवाल ने किया। बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य, मनोज कुमार शुक्ला, शेषमणि त्रिपाठी, जगदीश चौरसिया, जिला महामंत्री डॉक्टर आर डी सिंह, ब्रह्मानंद शुक्ल, मंडल प्रभारी नसीब अहमद, शत्रुधन कौसौधन, जिला मीडिया प्रभारी के एम मजवार, सोशल मीडिया जिला संयोजक सूरज निगम, राम उजागिर शुक्ल, जिला कार्यालय मंत्री जनार्दन श्रीवास्तव, स्वतंत्र सिंह, रमानंद यादव आदि लोग उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा, अभियान का जिले का संयोजक, जिले का पूरा व्यवस्था देखने के लिए संयोजक का कार्य मेरे जिम्मे, मेरे साथ साथ संयोजक जिले के उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई श्री जगदीश चौरसिया जी, और आईटी विभाग का काम देखने के लिए जिला आईटी संयोजक अभी दर्शन के बाहर गए हुए हैं श्री इंद्र कुमार निगम जी है। यह तीन लोग जिले में क्षेत्र में रहेंगे, शाहजहां के लोकप्रिय विधायक और क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ल जी, इस कार्यक्रम इसी तरह की रक्षा हर जिले में बनी है जो क्षेत्रीय टीम देखेगी। जिले की तरफ से आप सबके साथ बराबर संवाद संपर्क सहयोग करते हुए इस कार्यक्रम की महत्ता को आम जनता तक पहुंचाने के लिए यह कितना महत्वपूर्ण विषय है, जिसको आम जनमानस के मना मस्तिष्क में ठीक प्रकार से या भाव आवे, राष्ट्रीयता का बोध हो, आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाए जाने का उद्देश्य आगामी 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे इस देश को स्वतंत्र। हम 75वें वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के आज की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। आज की इस बैठक में मंच पर उपस्थित तिरंगा अभियान के संयोजक के रूप में गोरखपुर जिले के महामंत्री आदरणीय सबल सिंह पालीवाल जी, सह संयोजक के रूप में मंच पर उपस्थित जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश चौरसिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर आर डी सिंह जी, श्री राजा राम कन्नौजिया जी, श्री ब्रह्मानंद शुक्ल जी, हमारे सम्मानित घर घर तिरंगा अभियान, ये आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2022 को इस देश को स्वतंत्र हुए 75वां वर्ष है, और उस 75वें वर्ष में सरकार और संगठन के द्वारा पूरे देश में हर घर तिरंगा फहराया जाएगा,
इस अभियान को लेकर के आज की बैठक हम लोगों ने किया है और ये निश्चित है कि हम सभी लोग हर घर में, भारत के हर कोने में, हर घर में तिरंगा फहराने का कार्य किया जाएगा। 31 जुलाई को मोदी जी मन की बात करेंगे। 31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करेंगे और उस मन की बात में ही हम बूथों की समीक्षा करते हुए बैठक करेंगे और इस तिरंगा यात्रा की तैयारी करेंगे।